बीबीसी की जिस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने देश में बैन कर दिया है, नफरती गैंग उसकी स्क्रीनिंग करने में जुटा है। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक इसकी बड़ी प्लानिंग की गई है। हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी की गई है। जेएनयू में आज रात 9 बजे तक टाइम मुकर्रर है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नफरती गैंग की ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर चेतावनी भी दे दी है। डॉक्यूमेंट्री के आड़ में मोदी को बदनाम करने की साजिश। दिल्ली से हैदराबाद तक निशाने पर पीएम मोदी। जेएनयू में मोदी के खिलाफ प्रोपोगंडा की साजिश। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस को। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत में बैन कर दिया गया है, बावजूद इसके कुछ लोग प्रोपोगंडा फैलाने में जुटे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक विरोधी एक्टिव हैं। पहले बात करते हैं दिल्ली की। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष अयाशी घोष ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर पर्चे बांटे। इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। अयाशी घोष ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करके लिखा, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के लिए हमसे जुड़े, जिसे सबसे बड़े लोकतंत्र की निर्वाचित सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अयाशी का ट्वीट वायरल होने के बाद जेएनयू प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिर जेएनयू प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की। जेएनयू प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जेएनयूएसयू के नाम पर छात्रों के ग्रुप ने पंफलेट बांटे हैं, जिसमें इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की 24 जनवरी 2023 की रात 9 बजे स्क्रीनिंग करने की बात कही गई है। इस बारे में जेएनयू प्रशासन की तरफ से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे अनाधिकृत कार्यक्रम से विश्वविद्यालय कैंपस की शांति भंग हो सकती है। छात्र छात्राओं को सलाह है कि इस तरह के विवादित कार्यक्रम न करें, और जो भी छात्र छात्राएं ऐसा शेड्यूल बना चुके हैं वे भी इसे रद्द करें। ऐसा न करने पर उन छात्र छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जेएनयू में प्रोपोगंडा सेट करने की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ इस प्रोपोगंडा के खिलाफ अब ऑल इंडिया बार एसोसिएशन उतर आया है। बार एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर अधीश सिंह अग्रवाल ने इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ जांच की मांग की है। I have written a letter to Union Home Minister Mr. Amit Shah, requesting him to order a 360-degree probe into the international conspiracy angle in BBC's documentary India, the Modi Question, by constituting a special investigation team comprising of retired Supreme Court judge, jurists and investigators. अब आपको हैदराबाद की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है, जहां भारत सरकार की तरफ से बैन की गई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। पुलिस का कहना है कि इस बारे में लिखित शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के नेता महेश्वर रेड्डी का कहना है कि जब पीएम मोदी को इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है, तो डॉक्यूमेंट्री पर बैन क्यों? मोदी जी को अगर क्लीन चिट मिला होगा तो मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी उसको क्यों बैन करेंगे? अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उनको क्लीन चिट मिला है, तो मोदी जी उसको ट्विटर पे बैन करने की क्या जरूरत है? क्यों करे? ये तो मोदी जी ने इसके जवाब देना चाहिए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन क्यों किया गया, इस बारे में विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कर दिया था। डू नोट दैट दिस हैज नॉट बीन स्क्रीन्ड इन इंडिया, सो लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, वी थिंक दिस इज अ प्रोपेगेंडा पीस डिजाइन टू पुश अ पर्टिकुलर डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव। The bias, a lack of objectivity, and frankly, a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. It makes us wonder whether about the purpose of this exercise and the agenda behind it. विरोधी दलों को मिशन 2024 के लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संजीवनी बूटी की तरह लगने लगी है, लिहाजा वो इसे भुनाने में कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। दिल्ली हैदराबाद होते हुए मुंबई से भी मोदी पर हमला करने की कोशिश की गई। अब मैं लोगों को डिसाइड करने को कह रहा हूं कि बीबीसी की जो फिल्म है 2004 की बात है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ,
सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दो बार उसके बाद मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर लोगों ने बना दिया, मतलब उस इंसिडेंट का लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। ये परिस्थिति होने के बावजूद भी आज 2022 में बीबीसी कुछ दिखा रही है तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर रहे, हम उसको सहने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि ये जो मानसिकता है कि हम किसी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, क्या ये निर्देश करती है या नहीं करती है कि हम लोग डिक्टेटर की ओर बढ़ रहे हैं और एक नया डिक्टेटर इस देश में पैदा हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री पर खुद ब्रिटिश सरकार सवाल खड़े कर चुकी है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने संसद में कहा कि वो इस डॉक्यूमेंट्री में कैरेक्टराइजेशन के खिलाफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।